आज स्कूलों के आगे, कॉलेजेस के आगे आज जो है ड्रग्स जो है बहुत ज्यादा सप्लाई किया जा रहा है। आज जो है सिगरेट शराब पीना तो दूर की बात होगी, सबसे बड़ा जो आजकल जो आज जो है बुरी आदत है वो ड्रग्स पे जो है बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। जब अगर हम एक पेड़ लगाते हैं, बीज को रोपित करते हैं और वो जब छोटा सा वो पौधा बन के निकलता है और देखता माली देखता है कि अरे बड़े होके ये जो है पेड़ टेढ़ा जा रहा है, उसकी टहनी टेढ़ी हो रही है, तो क्या करता है माली, एक टहनी लेता है और उसको उसमें लगाता है और उसको रस्सी से बांध देता है। एक बच्चे को ऐसी आदत थी, माँ ने ध्यान नहीं दिया, बच्चा बड़ा होके एक बहुत बड़ा डाकू बन गया। डाकू होके पकड़ा गया तो उसको जो है फांसी की सजा जब सुनाई गई, तो आप लोग जानते हैं कि जब फांसी की सजा दी जाती है तो जो जिसको फांसी लगती है उसको उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है कि भाई तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, वो बताओ कि इसकी आखिरी इच्छा पूरी कर दे। तो उस डाकू से पूछा गया कि भाई तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो उसने कहा मेरी आखिरी इच्छा है कि आखिरी बार मैं अपनी माँ से मिलूं। एक राजा था, उसके लिए एक तोता पाला हुआ था। एक दिन उसका तोता मर जाता है तो अपने सेनापति से कहता है कि भाई जाओ मेरा तोता मर गया तो दूसरा तोता लेके आ जाओ। सेनापति जाता है, बाहर जाता है, जंगल में जाता है तो देखता है एक साधु महाराज के पास दो तोते थे। वो कहते भाई राजा की आज्ञा है कि उन्हें तोता चाहिए तो आप मुझे तोता दे दो। साधु महाराज उसे तोता दे देते हैं। अब जो सेनापति जब तोता लाके राजन को देता है तो जब सुबह होती है तो एक तोता जो है सुबह उठ के राम नाम बोलो राम राम बोलो इसका उच्चारण करता है और दूसरा जो तोता होता है वो तरह तरह की भद्दी भद्दी गालियां देने लगता है। तो राजन को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये दोनों तोते जो है एक ही साधु महाराज के यहां से आए हैं, लेकिन एक तोता तो राम राम कह रहा है, दूसरा तोता गाली दे रहा है, इसका कारण क्या है? वो साधु महाराज को अपने राज्य में बुलाते हैं और पूछते हैं कि भाई तो ये तोते तुम्हारे दो तोते आए हैं लेकिन एक तोता तो सुबह उठ के राम राम बोल रहा है, दूसरा गाली दे रहा है, तो इसका कारण क्या है? तो साधु महाराज कहता है कि ये जो राम राम बोल रहा है ये तोता मेरे पास से बचपन से पल रहा है और जैसे वातावरण में ही रहा वैसे उसने शिक्षा ग्रहण की। और ये जो दूसरा तोता था ये एक डाकू के यहां से जो था ये उड़ के मेरे पास आया, मैंने इसको रख लिया पाल लिया। तो उसने डाकू के यहां रह के उसने जो वहां पे बातें सीखी, जो गाली गलौज देना, जो भी गलत बातें सीखी, जो उसने वहां का आचरण देखा, जो वहां की भाषा बोली देखी, वही उसने यहां पर सीखा। तब राजन को रियलाइज हुआ कि हाँ देखो ये संगत का असर हुआ कि जिसने तोते ने एक पक्षी था उस पक्षी पे भी संगत का कितना बड़ा असर होता है। अच्छी संगत मिली एक तोते को तो उसने अच्छी बातें सीखी और वही दूसरे तोते को एक बुरी संगत मिली तो उसने बुरी बातें सीखी। तो ये तो पक्षी है लेकिन हमारे जो बच्चे हैं अगर उनपे को भी अगर वही संगत मिलेगी, अच्छा वातावरण मिलेगा, अच्छा समाज मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, तो बच्चा भी जो है वो अच्छी बातों को अच्छे संस्कारों को सीखेगा। और वही दूसरा बच्चा अगर गलत संगत में सीखेगा तो वो गलत आचरण ही सीखेगा। इसीलिए आज हम समाज में देखते हैं छोटे छोटे बच्चे 5th-7th क्लास के होंगे, आप देखोगे आज स्कूलों के आगे कॉलेजेस के आगे आज जो है ड्रग्स जो है बहुत ज्यादा सप्लाई किया जा रहा है। आज जो है सिगरेट शराब पीना तो दूर की बात होगी, सबसे बड़ा जो आजकल जो आज जो है बुरी आदत है वो ड्रग्स पे जो है बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। ये जो एक नशा है ये नशा इतना खराब नशा है कि पहले तो जो लोग इसका बिजनेस करते हैं पहले वो बच्चों को फ्री में वो देंगे,
और जब बच्चों को उसकी लत पड़ जाएगी तो बच्चा जो है अपनी पॉकेट मनी से उसको खरीदेगा, लेकिन जब पॉकेट मनी खत्म हो जाएगी तो घर की चोरी करेगा, माँ के पर्स से पैसे निकालेगा, पिताजी के बटुए से पैसे निकालेगा। और जब उसको वो भी नहीं मिलता तो घर की में रखी हुई जो घर की चीजें होती हैं उनको बेच के उस ड्रग्स को खरीदता है, उसका सेवन करता है, और अंत में उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो बिना, अगर उसको ड्रग्स नहीं मिलती तो आदमी तड़पता है, जैसे मछली बिन पानी के अगर पानी से बाहर निकाल दोगे वो तड़पती है, तो वैसे वो व्यक्ति भी बिना ड्रग्स के वैसे ही तड़पता है जैसे बिन पानी के मछली तड़पती है। और व्यक्ति तब चाहता है कि मुझे मौत आ जाए, लेकिन मौत नहीं आती। तो ये इस तरह से जो है, ये जो है ड्रग्स का सेवन जो है आज पूरे भारत में नहीं बल्कि विश्व में ये बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो यही कारण है अगर हम गुरु दरबार में आएंगे, आश्रम में आएंगे, साधु संतों का संग करेंगे तो हम इन सब बुराइयों से, समाज की बुराइयों से, समाज की कुरीतियों से, इन सब से हमारा बच्चा दूर रहता है। और अगर हम इन सब बातों से अगर हम दूर रहेंगे कि अरे आश्रम क्या जाना, हम बच्चे को तो है घुमाने ले जाओ, बच्चे को पिक्चर ले जाओ, बच्चे को इधर घुमाने ले जाओ, ये सब करो, तो बच्चा क्या है धीरे धीरे फिर समाज की बुराइयों को, समाज की कुरीतियों को ही सीखता है। हम हमारे नेपाल में भी बहुत 250-300 से ज्यादा आश्रम है। नेपाल में भी ये ड्रग्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, लेकिन जो वहां के नौजवान, जो वहां के नौनिहाल बच्चे जो हमारे दरबार में आते हैं, आश्रम में आते हैं, उन सब संगत से बचे हुए। इसलिए वहां नेपाल में ये जो है प्रचलित है कि भाई जो बच्चा मानव धर्म में जाता है वो बच्चा जो है ड्रग्स और सारी बुराइयों से बचा हुआ है। ये आज की स्थिति में वो वहां की ये स्थिति है कि लोग ये कहते हैं कि भाई मानव धर्म में अपने बच्चों को भेजो तो हमारा बच्चा इन सब से, शराब से, सिगरेट से, ड्रग से बचा रहेगा। तो ये जो आश्रम का निर्माण कर रहे हैं महाराज जी, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हम बच्चों को संस्कार देंगे बचपन से, वही संस्कार बड़े होके उनके अंदर मजबूती से रोपित रहते हैं। लेकिन अगर हमने बचपन में ही अच्छे संस्कार नहीं दिए, और जब पेड़, जब आपने देखा होगा जब अगर हम एक पेड़ लगाते हैं, बीज को रोपित करते हैं, और वो जब छोटा सा वो पौधा बन के निकलता है और देखता, माली देखता है कि अरे बड़े होके ये जो है पेड़ टेढ़ा जा रहा है, उसकी टहनी टेढ़ी हो रही है, तो क्या करता है माली, एक टहनी लेता है और उसको उसमें लगाता है और उसको रस्सी से बांध देता है। फिर आप क्या देखते हैं, वो जो टहनी है जो सीधे खड़ी होती है, सीधे बड़ी होती है, और फिर वो पेड़ जो बड़ा होके रूप लेता है तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, सीधा खड़ा होता है। लेकिन जो माली इस पे ध्यान नहीं देगा, वो कहेगा अरे टेढ़ा वड़ा होने दो, कोई बात नहीं, तो आप देखोगे वो पेड़ जो है टेढ़ा ही होगा, उसकी टहनी टेढ़ी होगी। जिस माली ने पहले से देखा, जब वृक्ष छोटा था तब उस पे ध्यान दे दिया तो वृक्ष सीधा होके बड़ा हो जाता है, और जिसने ध्यान नहीं दिया वो वृक्ष टेढ़ा मेढ़ा ही बड़ा होता है। तो ठीक यही स्थिति हम लोगों को माता पिता की भी है। माता पिता ने अपने बच्चों को जब देखा गलत रास्ते पे जा रहा है तो उनको अच्छे संस्कार दिए, अच्छी राह पे ले गए, जिससे कि वो उनका जीवन जो है सीधा अच्छा निकल गया। लेकिन जिन माँ बापों ने इस बात को ध्यान नहीं दिया तो क्या हुआ, वो बच्चे ही गलत रास्ते पे चलते। क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है, कोई बच्चा चोर पैदा नहीं होता, कोई बच्चा डाकू पैदा नहीं होता, कोई बच्चा खूनी पैदा नहीं होता, लेकिन हम जैसे उसे संस्कार देते हैं या जैसे माहौल में बच्चा रहता है, जैसे समाज में बच्चा देखता है, बढ़ता है, तो वैसे ही वो बच्चा
आगे बढ़ता है। हमने बच्चे ने स्कूल जाता है, एक दिन वो पेंसिल ले आया किसी बच्चे की, माँ ने देखा उसको ध्यान नहीं दिया, अगले दिन जाएगा वो उसका पेन ले आएगा, दूसरे दिन जाएगा कुछ और ले आएगा, ऐसे करते करते बच्चे की आदत बढ़ जाती है और वही बच्चा फिर छोटी मोटी चोरी करते करते बड़ी चोरी करने लग जाता है, फिर वो बड़ा होकर एक चोर बन जाता है, एक डाकू बन जाता है। आपने वो कहानी सुनी होगी, एक बच्चे को ऐसी आदत थी, माँ ने ध्यान नहीं दिया, बच्चा बड़ा होके एक बहुत बड़ा डाकू बन गया। डाकू होके पकड़ा गया तो उसको जो है फांसी की सजा जब सुनाई गई, तो आप लोग जानते हैं कि जब फांसी की सजा दी जाती है तो जो जिसको फांसी लगती है उसको उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है कि भाई तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, वो बताओ कि इसकी आखिरी इच्छा पूरी कर दे। तो उस डाकू से पूछा गया कि भाई तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो उसने कहा मेरी आखिरी इच्छा है कि आखिरी बार मैं अपनी माँ से मिलूं। तो जो फांसी लगने से पहले उसकी माँ को बुलाया जाता है, माँ को बुलाते हैं तो कहते भाई, माँ से कहते भाई तुम्हारे बेटे की आखिरी इच्छा है, वो तुमसे मिलना चाहता, मिल लो। जेल के अंदर जब माँ उसके पास जाती है तो बेटा कहता है कि माँ मुझे तेरे कान में कुछ कहना है। तो जब माँ अपने कान को आगे बढ़ाती तो बच्चा उसके कान को काट लेता है, तो माँ कहती तू भी क्या कर रहा। तो बच्चा कहता है माँ जिस दिन मैंने पहले अपने दोस्त की पेंसिल चुराई थी, रबड़ चुराया था, पेन चुराया था, अगर उसी दिन तू मुझे डांट देती, मार देती, मुझको गलत रास्ते पे चलने से मना कर देती तो आज मैं इतना बड़ा डाकू नहीं बनता और आज मैं इस फांसी की सजा का हकदार नहीं होता। लेकिन तूने जब लोगों ने तुझे बताया कि तुम्हारा बच्चा चोरी कर रहा है, छोटी मोटी चोरी कर रहा है, फिर और बड़ी चोरी कर रहा है, लेकिन तुमने उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया और तुम अपने ही लाड प्यार में माया मोह में फंसी रह गई और तुमने मुझे सही रास्ते पे नहीं चलने की प्रेरणा दी। आज उसका हश्र ये हुआ कि आज तुम्हारा बेटा फांसी के फंदे पे लटकने जा रहा। तो ये सब जो है ये एक सच्चा दृष्टांत है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, सच्चा दृष्टांत है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अध्यात्म से जुड़े, हम नित्य दरबार में आए। हर इतवार आपके यहाँ, भाई और दिन आप नौकरी कर रहे हैं, अपने बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन इतवार को तो सबकी छुट्टी होती है, और इतवार को जो सत्संग होता है तो सत्संग में जो है आपको नित्य आना चाहिए। एक नियम बनाइए कि हमें हर इतवार आश्रम में आना है, सत्संग का श्रवण करना है, साधु संतों की सेवा करनी है, गुरु दरबार की सेवा करनी है, गुरु महाराज के हमें दर्शन करने हैं, उनके सत्संग का श्रवण करना है, ये आदत बना लीजिए।